ओके तो फाइनली जोकर टू का टीजर ट्रेलर आ चुका है एंड इस टीजर ट्रेलर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये टीजर बहुत ही ज्यादा कमाल का था। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि ये टीजर कुछ ज्यादा खास नहीं होने वाला और मैं जोकर 2 बनते हुए देखना भी नहीं चाहता था क्योंकि फर्स्ट मूवी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी और एक सही नोट पे खत्म हुई थी, तो इस मूवी का सेकंड पार्ट बनाने का कोई सेंस बनता नहीं था। और जब वार्नर ब्रदर्स वालों ने अनाउंस किया कि ये मूवी एक म्यूजिकल होने वाली है तब मेरी आशाएं इस मूवी को लेकर और भी ज्यादा गिर गई। लेकिन जब मैंने आज इस मूवी का टीजर ट्रेलर देखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ और भी चीजें एक्सप्लोर की जा सकती है इस जोकर की यूनिवर्स में। जहाँ पे हमें इस टीजर ट्रेलर में देखने को मिलता है कि आर्थर फ्लेक जेल में है अपने पिछले किए हुए कांड की वजह से, जहाँ पे इसको हार्ली क्विन यानी कि अपनी लेडी काका मिलती है और उसको देख के उसे कुछ कुछ दिल में होता है। इस वजह से इस मूवी में काफी ज्यादा कलर्स का यूज भी किया गया है क्योंकि अपने आर्थर की जिंदगी रंगीन हो गई है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पिछले मूवी के पार्ट में यानी कि जोकर 1 में काफी ज्यादा डार्क कलर्स का यूज किया गया था और मूवी काफी फीकी फीकी लगती है, लेकिन इस मूवी में हमें काफी ज्यादा कलर्स को दिखाया गया है जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ आर्थर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ये मूवी सपना है या फिर रियलिटी है क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं इस मूवी में जो कि हमें इस टीजर में देखने को मिली जो कि पूरी तरीके से फेक लग रही है। जैसे कि आर्थर एक क्रिमिनल है फिर भी वो लेडी गागा के साथ भाई नाच रहा है सड़कों पे जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ ये मूवी एक बेसिक रोमांटिक म्यूजिकल मूवी नहीं होने वाली है। यहाँ पे हमें दो साइकोपैथ की लव स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि एक दूसरे के प्यार में पागल है और एक दूसरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सोचो अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा जो कि मूवी में कर भी दिया जाएगा, इसके बाद ये दोनों कितने ज्यादा और पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हाँ यार मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।